Welcome to the channel Easy Tricks for the Computer Science students and as well as those students who learn something new in the computer science. This is the next part of the classes and objects, and in this we will use a very important method, that is the init function. Init function is a very very popular function at every programming, like the object oriented programming, but in the Python this is a very important aspect, because in the init method is the special method that automatically gets called every time objects are created. Because in the previous part you will see that this is not an automatically call. It's not an automatical call. It's an different type of calling, that is object calling, and with the arguments after that you will check and call again and again, again and again, again and again. Okay. So this program is as per the very different perspective, but in the init method we will use the different aspect of the object oriented method. So in this tutorial we will learn about the init method. So init method itself called that gets automatically gets called every time objects are created. जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाओगे अपने क्लासेस के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट्स को चलाता जाएगा, जो कि बाकी जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा है वो था कि क्लासेस भी मेंटेन करनी है, ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं, और ऑब्जेक्ट्स को बार बार मैथड में ले जा के फंक्शन कॉलिंग भी करवानी पड़ती है. सो इनिट मैथड उसका एक ऑल्टरनेट है कि अगर किसी को जल्दी से कॉलिंग करवानी है और वो चाहता है कि ऑटोमेटिकली कॉलिंग हो, एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि क्या ऑटोमेटिकली कॉलिंग पॉसिबल है इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड फॉर द ऑब्जेक्ट्स, क्या वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं. यस, ऑटोमेटिकली हो जाती है कॉलिंग मेथड की जब आप इनिट मेथड को यूज करके करते हो, वैसे नहीं होती है, वैसे आपको कॉलिंग खुद करवानी पड़ती है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे कॉलिंग होगी. ये देखिए, ये वही प्रोग्राम है जो हमने पिछले पार्ट में भी किया है. क्लास है स्टूडेंट नाम की, डिफाइन इज द फंक्शन नेम, चेक पास फेल सेल्फ. यही कंडीशन हमने पीछे भी यूज की है कि इफ सेल्फ डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 है तो रिटर्न ट्रू कर दे, एल्स रिटर्न फॉल्स कर दे. आगे जाके देखिए अब इसको हमने इनिट मेथड में यूज कैसे करना है. हमने क्या किया, डिफाइन अंडरस्कोर इनिट, अंडरस्कोर करके इसी फंक्शन को कॉल किया ना, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर सेल्फ, ये वाला पार्ट अंडरस्कोर के अंदर आएगा, देन नेम और देन मार्क्स. ठीक है, ये सारा पार्ट है एक्चुअल में जो इनिट कॉल खुद कर रहा है. इसकी वजह से उसने कॉलिंग खुद करनी है कि आप क्योंकि डिफाइन करने लगे हो फंक्शन को इनिट के साथ विद द सेल्फ पार्ट आर्गुमेंट कॉलिंग. दिस इज द ऑब्जेक्ट ना, ऑब्जेक्ट पास ऑन किया है जैसे हम आर्गुमेंट पास करते हैं ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज द मेजर पार्ट की बच्चे का नेम और मार्क्स क्या है. सो हमने यहाँ पे दे दिया सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम एंड सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, इन्हीं दोनों के साथ रिलेशन है ना इसका. चेक क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का नेम और मार्क्स, मार्क्स की कंडीशन चेक होनी है, तो यहीं पे हमने उसको दे दिया. अब स्टूडेंट वन में हम जो है वैल्यू पास ऑन कर देंगे अमित और 85 यहीं पे, और प्रिंट डायरेक्टली करवा देंगे, जबकि पिछले प्रोग्राम में हमने इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं करवाया था. ये देखिए, इसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं. सो आफ्टर दैट इन द इनिट फंक्शन देयर इज द सेल्फ कॉलिंग. सो आपने डायरेक्टली ही यहाँ पे बच्चे का नेम और मार्क्स एंटरटेन करवा दिए हैं और डायरेक्टली उसका प्रिंट मांग लिया, और आपको ऑटोमेटिकली कॉलिंग हो चुकी है इनकी, और वो डायरेक्ट ही कॉल करके खुद ही चेक करेगा विद द इनिट फंक्शन सेल्फ से, खुद करेगा. ठीक है, तो ऐसे ही आप स्टूडेंट टू के लिए भी, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में करवाया था, आप स्टूडेंट टू के लिए भी सेम कॉलिंग करवा सकते हो स्टूडेंट क्लास को कॉल करके विद द डायरेक्टली जो हमने नेम दिया कोई भी अंशिका, एंड उसके मार्क्स दिए थे 45 अगर यहाँ पर हम यहाँ से दे देते हैं, तो डायरेक्टली भी उसने उठा लेना और डायरेक्टली आप इसी तरह इसको प्रिंट भी करवा सकते हो. तो इनिट का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपने वन टाइम जब उसको अपने ही पार्ट पे मेंटेनेंस में डाल दिया तो उसने कॉलिंग खुद ही कर लेनी है, जबकि पिछले प्रोग्राम पिछले ट्यूटोरियल को आप ध्यान से देखिएगा उसमें वो कॉलिंग खुद नहीं कर रहा, आपको डिक्लेयर करके
इनसाइड द प्रोग्राम वो करवानी पड़ रही है। ये है आउटसाइड द प्रोग्राम भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो रही है देखो, इसके बाद भी हो रही है, जबकि वो इनसाइड भी हो रही है। इनसाइड में इनसाइड होनी है, आउटसाइड में आउटसाइड होनी, बट क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कॉलिंग पे था तो हमने इसके थ्रू कर लिया। सो दिस इज़ द शॉर्टेस्ट वीडियो ऑफ द इनिट मैथड, बट दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द पाइथन। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट द अनदर ओप्स फीचर्स विद द डेफिनेटली प्रोग्रामिंग फीचर्स। सो काइंडली ऑल द स्टूडेंट्स रन ऑल द प्रोग्राम्स इन द प्रोग्रामीज एप्लीकेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी काइंडली टेल इन टू द कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली रिप्लाई विल बी गिवन विद इन 24 आवर्स। सो नेक्स्ट ट्यूटोरियल डेफिनेटली अपलोडेड बाय टुमोरो afternoon, and till then take care. Thank you.